नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजकुमार। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं क्या कर रही हैं। हमारे साथ पहले हैं विभा जी, कितना संघर्ष रहता है आपके लाइफ में, मतलब सुबह उठना, तैयार होना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना? संघर्ष तो रहता है, पर मैं उस संघर्ष में खरी उतरती हूँ। संघर्ष घर से शुरू होता है, क्योंकि हमारे कंधे पे घर की जिम्मेदारी भी है और बाहर की जिम्मेदारी है, सड़क पर भी है, सरहद पर भी है। तो इन सभी समस्याओं को रूटीनलाइज करके मैं उसको समाधान करती हूँ। जब मैं सड़क पे आती हूँ तो आप लोगों से, पब्लिक से पाला पड़ता है, और ड्यूटी के कर्म में मैं यातायात को संचारित करती हूँ, सुगम संचालन करती हूँ। इसमें हमारे वरीय पदाधिकारी का बहुत सहयोग रहता है और आम जनों का भी, करीब 80% आम जनों का भी सहयोग रहता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में चैलेंज है। और आज महिला दिवस है, 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। तो यह महिला दिवस ऐसे ही नहीं मनाया जाता है, आज से कई वर्ष, करीब 111 वर्ष पूर्व श्रम आंदोलन से महिला दिवस का शुरुआत होता। कामकाजी महिलाएं जो कपड़ा मिल में काम करती थीं, करीब 15,000 महिलाएं अमेरिका के कपड़ा मिल में काम करती थीं, तो वो अपने जागरूकता के लिए, अपने ड्यूटी के समय को कम करने के लिए, अपने वोटर अधिकार लेने के लिए, ब्रेड एंड पीस के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तब जा कर के ये मुकाम आज मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आज की महिलाओं से, आज के समाज से, प्रेस प्रतिनिधि से, अपने सरकार और प्राधिकार से ये अनुरोध करती हूँ, और सहयोग मिल भी रहा है। आज महिला दिवस है, हम वो तो आप बता रही हैं, वो मैम समझ रहे हैं मैम, लेकिन ये बताइए मैम कि जो आप सुबह का आपका रूटीन होता है, सुबह तैयार होना, कोई मेंटल स्टेट होता है कि नहीं, कि मतलब कि तिखी नोकझोंक हो जाना ट्रैफिक में, हमेशा आप ये सब चीज़ आए दिन देखने को मिलता है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कितना मतलब कर पाते हैं? मेहनत करना पड़ता है और वह सशक्तिकरण का ही। हमारे साथ रितु कुमारी हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तेज़ धूप में, तेज़ बारिश में भी ट्रैफिक सिग्नल पे अगर कोई डट के खड़ा होता है तो ट्रैफिक का एक सिपाही होता है, तो वही सिपाही आज हमारे साथ है। वही सवाल, सेम सवाल है, कितना चैलेंजिंग होता है आप लोग के लिए? चैलेंजिंग तो 100% चैलेंजिंग ही चैलेंजिंग है। हम लोग को जो भी कार्य मिलता है, हम लोग बहुत अच्छा से और मेहनती से और अपने कर्तव्य से पालन करते हैं और जिम्मेवारी का पालन करते हैं। जो भी हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, जो भी उनके दिए हुए निर्देश रहता है, हम लोग उन पालन करते हैं और पालन करवाते भी हैं लोगों से, पब्लिक से। हेलमेट लगाकर चलना है, एक आम शिकायत रहता है वे डबल हेलमेट वाला, और फाइन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस तब तो नोकझोंक तो वहीं जाती होगी, बहुत होती है नोकझोंक। लेकिन उसे अपने कुछ, जब जहाँ पे जोत पड़ता है थोड़ा टाइट बोलने का, वहाँ पे टाइट भी बोलना पड़ता है, और जहाँ से प्रेम की भाषा बोलने पड़ती है वहाँ पे प्रेम भाषा बोल करके हम लोग उनको समझाते हैं कि आपको पुलिस से डरकर हेलमेट नहीं लगाना है, आपको अपने खुद की सेफ्टी के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए आपको हेलमेट लगाना। परिवार से एक सवाल है कि आप भी, आपका भी परिवार होगा, सुबह उठना, ऑफिस करना और ये सारे काम करने के बाद कितना चैलेंज आप महसूस कर लेती है, कि मतलब ये कभी लगता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ इससे अच्छा कुछ और कर लेती? नहीं, मुझे अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे जितनी भी मेहनत, और लेडीज़ लोग, जो भी लेडीज़ लोग हैं, कोई भी काम करती हैं, मेहनत तो थोड़ा, उनको कष्ट तो थोड़ा होता ही है, लेकिन वो सब हैंडल कर लेती हैं, वो हिम्मत नहीं हारती हैं। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और महिला किसी से कम नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में महिला कम नहीं है। अपने आप को घर परिवार, बच्चे, पति, ससुराल, मायके, सब कुछ देखते हुए वो सारा काम संभाल लेती हैं, और बाहर का भी ड्यूटी बहुत अच्छा से मैं करती हूँ, इसीलिए आज मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। जनशक्ति पार्टी की महिला अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं। आज राष्ट्रीय लोक महिला दिवस है, क्या कार्यक्रम रहा आज? सबसे पहले मैं
आपके चैनल के माध्यम से मैं देश विदेश की जितनी भी महिलाएं शक्ति हैं, जितनी भी मेरी माताएं एवं बहनें हैं, मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। आज हमारे पार्टी में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में, हमारे माननीय मंत्री, केंद्र मंत्री पशुपति पारस जी के आदेशानुसार आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ ने समाज की ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया है जो महिला हमारे समाज में एक किसी की पहचान से मोहताज नहीं है। जैसा आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी महिलाओं की पहचान उनके हस्बैंड के नाम से, उनके बच्चे के नाम से, या उनके पिता के नाम से, या उनके ससुर के नाम से लोग जानते हैं कि उनकी बहू हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे समाज में अपने बलबूते पे खुद संघर्ष करके एक मुकाम पे आई, और उन्हीं महिलाओं को मैंने खोज कर आज उन्हें सम्मानित करने का काम किया। जैसे हमारे अतिथि में आई थी आज सब ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर विभा जी, जो आप देखते होंगे हड़ताली मोड़ पे हमेशा उनकी ड्यूटी रहती है, तो वैसी महिलाएं जो अब कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक कर रही हैं। जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि एक महिला जो है ऑटो चालक है, वो भी काफ़ी संघर्ष करके अपने एक मुकाम पे आई हैं। तो वैसी वैसी महिलाओं को हमने आज सम्मानित करने का काम किया। हमारे प्रदेश पदाधिकारियों को तो सम्मानित मैंने की भी, लेकिन साथ ही साथ समाज के हर उस बेटी को मैं सम्मानित कर रही हूँ जो अपने संघर्ष के बलबूते पे एक मुकाम पे आई है। तो ये थी हमारे साथ स्मिता शर्मा, और इन्होंने एक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया, और ये कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। और इसके साथ ही जो भी महिलाएं हैं जो समाज में काम कर रही है हर क्षेत्र से, उन तमाम महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।